बहुत सत्कारक दीक्षण सूद जी दे आज हुशियारपुर हल्के च माया और मैं लगभग पूरा पंजाब घूमया। लोगों से बहुत वड्डा हुंगारा है, लोग गड्डी खड़ी करके भी आवाज़ देंदे ने भाजी लेट शुरू होए, पहले शुरू होना सी, लेकिन पूरा आशीर्वाद देंगे। जिहो जिहा माहौल है पंजाब के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और गठजोड़ सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़े 11 नुक्ते दिते, 11 कमिटमेंट्स दित्तियां, उन्होंने कमिटमेंट्स नूं, संकल्पां नूं लोग बहुत सीरीयसली लै रहे और 11 दे 11 संकल्प घोषणा नहीं है। 9/1/2017 नूं सरदार मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी और चो एक नहीं पूरी हुई, ना 90,000 करोड़ का कर्जा माफ़ होया, ना 68 लाख नौकरियां मिलिया, ना 60 लाख मोबाइल मिले, ना आटा दाल स्कीम, ना चाह पत्ती ते घ्यो ते खंड मिली। लोग इंतजार कर रहे कांग्रेस पार्टी आवे ते और नाल गल कर सकीए और पंजाब दा सब नाल करप्ट पॉलिटिशियन, पंजाब दा सब नाल करप्ट मंत्री चिरते और ही सरकार दे लोगों ने आरोप लगाए, वो इतों इलैक्शन लड़ रहे। लोग समझते ने कि किस तरह स्कैंडल होए, किस तरह इंडस्ट्रियल प्लाट वेचे गए, किस तरह और पैसा किस तरह बैंकों चो कढ़ाए गए, यही जांच हो रही है। और अज तो मुख्यमंत्री जिन्हों राहुल गांधी ने कहा कि गरीब है, उस गरीब मुख्यमंत्री के बैंक अकाउंट 177 करोड़ रुपया। मैं हैरान हाँ कि राहुल गांधी जी, चलो पप्पू बाजी जिते मर्जी करो, लेकिन 177 करोड़ वाला गरीब, तो जोड़े पंजाब 1,42,00,000 लोग जिन्होंने फ्री राशन मोदी साहब भेज रहे ने, वो की ने जे गरीब है, तो वह गरीबों का मजाक उड़ाया और पंजाब की जनता इन्ह के अहंकार नू, इन्ह के मजाक नू बड़ा सीरीयसली लै रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने लगता है कि इको ही विश्वास है कमल का फुल जड़ा इस लड़ाई से सानू कढ़ के लियाएगा और कमल के फुल से लोग वोटा पा रहे, साढ़े गठजोड़ से वोटा पा रहे। और हुशियारपुर का अज का जोड़ा माहौल है, मैं 3-4 स्थानों पर गया, बहुत जबरदस्त माहौल है। लोग तीक्षण जी नू पिछले हरी ना चुन पाने की उन्होंने मन च टीस है कि एक ऐसा बंदा जिहड़ा गेट नहीं सी बंद होया, एक ऐसा बंदा जिहड़ा कभी गेट जिन्हें खोलिया नहीं, दोनों चो मुकाबला, एक ने कभी खाधा नहीं रिश्वत खाधी नहीं, एक ने छड़ी नहीं, और मुकाबला है और मुकाबले में जनता तीक्षण जी के नाल खड़ी है। बाकी दे इधर उधर भजन भुजन वाले लोग ने खड़े नहीं मिलने, तो तीक्षण जी भारी मतों ने इतों जीते। ऐसा कि वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और मैं हैरान हाँ क्यों इन्हों लगता है पाकिस्तान अच्छा लगता है। इमरान खान मेरा यार, अमन का मसीहा, तो यूपी बिहार तो अपना श्रम लगा के, अपना खून लगा के मेरे पंजाब असे, मेरे भारत असे काम करने वाला, मेरे हिंदुस्तान के दूजा हिस्से का भरा, क्योंकि जे भारत माता है तो भारत माता का तमिलनाडु च रहने वाला भी मेरा भरा है, तो कश्मीर च रहने वाला भी मेरा भरा है, बिहार का भी मेरा भरा है। ये किन्ने पंजाब के लोग बाहर जाके काम करते, कड़ा बयान देता। और मैं उस तो ज़्यादा हैरानगी हाँ, मैनू प्रियंका गांधी ते चुनाव लड़ो, तुम अमेठी हो, चुनाव जीतो रायबरेली हो, घूमो प्रभारी तुम यूपी दे, ते यूपी दे लोगों का अपमान पंजाब का मुख्यमंत्री कर रहा है, तो तुम ताड़ियाँ मार रहे। मैं तो अगे लगता सी राहुल गांधी जी मंदबुद्धि है, हूँ तो इन्हों भी चैलेंज जॉब लग रही है, पता नहीं की सोच के ये पंजाब घूम रहे ने। पंजाब सारिया का सांझा है, गुरु नानक साहब ने कहा मानस की जात सब एको पहचान बो, उन्होंने इस धरती से संगत पंगत सिखाई सानू, तो वितकरे पांडे ने कभी कास्ट का वितकरा, कभी इन्हों का एक मंत्री का अपना PPC प्रेजिडेंट साहब का एक सलाहकार, वो कहिंदा हिंदू सिख मलेरकोटला जलसा नहीं कर सकते, मैं मार्क भजा दाँगा। एक कड़े हेट स्पीचिज असी दे रहे हैं, इन्हों का MP बिट्टू वो कहिंदा मोदी साहब सड़क पर ना आन, एक कड़िया हेट स्पीच, देखो सिद्धू कहिंदा काले बामन, एक किस पासे पंजाब नूं लैके जा रहे हो। यह जड़िया हेट स्पीचिज जी बौखलाहट है, यह दस रही है कि अब चन्नी बन्नी टन्नी कंपनी की जड़ी पार्टी है वो जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही किरे नहीं सी, 100 कहें पिछली बारी, तो 20 दे आके ब्रेक लगी,
कहते सट बेद ब्रेक कितने लानी पता नहीं ऐसी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ बनाएगा और निश्चित रूप च सन्नी बन्नी केजरीवाल एंड कंपनी इन जनता हाथ जोड़न। देखो चुग साहब ने बहुत वधिया भाषण दिता, बहुत वधिया सच्चाई दसी आ, बहुत फैक्ट फिकर से गल की आ। तुसीं देख सकते हो भी आ नलोईया चौक च आपां बैठे हाँ, किन्ना लोगों च उत्साह आ, किन्ने लोग देर से बैठे आ और सारे साडी गलबात सुन रहे हैं ते हंगारा भी कर रहे हैं। सो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट आ जिस तरह का लोगों का सानू हंगारा। ठीक है, We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.